Hello, 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 hello. Yes, yes, I understand and I know. It's been ages जो मैं YouTube में मैंने कोई भी वीडियो बनाया है. I understand. I think it's been almost 3 months कि मैंने कोई भी वीडियो रिलीज नहीं किया है यूट्यूब में. एंड lot of you have messaged me about this. I understand. रीजन ज़्यादा कुछ है भी नहीं. इट्स बिन अ वेरी हेक्टिक कपल ऑफ मंथ्स सिंस द टाइम आई हैव रीजॉइंड यू नो द शूट. इट्स बिन रियली हेक्टिक. द स्केड्यूल हैज़ बिन रियली हेक्टिक. प्लस जैसे मैंने कई बार मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे बोला है, मैंने यहाँ पे भी बोला है कि इस मेरे वीडियो पे कि मैं अपने नए घर में शिफ्ट कर रही हूँ. मेरे नए घर का इंटीरियर चल रहा था. सो इट्स डन, इट्स फिनिश्ड. और मैं सारा सामान लेके मैं यहाँ पे आई हूँ फिलहाल तो. और जिन्होंने भी शिफ्ट किया उनको पता है कि घर पे जब शिफ्टिंग होती तो क्या हालत होती है. जब मैं ये कहूँगी, मुझे पता है लॉट ऑफ यू विल बी टेलिंग मी ऑल्सो कि प्लीज़ होम टूर करिए वगैरह वगैरह. आई एम कंसिडरिंग इट एज ऑफ नाउ. आई एम कंसिडरिंग इट. मैं बहुत ही प्राइवेट इंसान हूँ तो मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपने घर का कोई भी कोना किसी को भी दिखाऊँ. बट Having said that, मैं ज़रूर consider कर रही हूँ एक home tour करने का. और बहुत जल्द आएगा फिर अगर मैं वो करती हूँ तो. बट फिलहाल तो ऐसा है कि पूरा घर messed up है because सारे cartoons रखे हुए हैं यहाँ पे. I'm going to have another very busy day today, so I thought, चलो ठीक है, I'll try and make a vlog out of it today. So there you go, there I am, and I'm just going to say hi to you again. And चलो, let's start a vlog and let's see what are we going to do in the whole day. हाय, सो अभी मेरा एक्सरसाइज फिनिश हो गया है और अब मैं पीने वाली हूँ मेरी एक स्मूदी जो मैं ब्रेकफास्ट में रोज़ पिछले 7-8 साल से पीती हूँ. और मैं आज आपको उसकी रेसिपी बताने वाली हूँ. मैं उसके लिए लेने वाली हूँ एक बनाना, एक या दो बनाना जो भी है. विंटर्स में मैं स्ट्रॉबेरीज भी डालती हूँ बिकॉज मुझे स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है. आई लव इट एंड इट्स ऑल्सो वेरी हेल्दी. उसके बाद मैं डालने वाली हूँ ये सोक्ड आमंड्स एंड पीनट्स. और अगर आपके पास सोक्ड पीनट्स नहीं है तो आप पीनट बटर भी डाल सकते हो. और अभी मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ दूध. और जो मैं मिल्क यूज़ करती हूँ हमेशा वो है ये कंट्री डिलाइट का बफेलो मिल्क. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस मिल्क. ये जो मिल्क है ना, जब आप ये कंट्री डिलाइट के ऐप से ऑर्डर करते हो, मिल्किंग के कुछ ही घंटों में ये आपके डोर स्टेप में हाजिर होता है. दैट मीन्स यू गेट फार्म फ्रेश बफेलो मिल्क एट योर डोर स्टेप. ईजी पीजी. ये जो मिल्क है इसको मैंने रात को उबाल के फ्रिज में रख दिया था. और अभी मैं आपको इसकी मलाई दिखाती हूँ. आइए अभी आप देखिए इसकी मलाई. आप देख सकते हैं इसकी मलाई कितनी क्रीमी, कितना थिक है. माई गुडनेस, ये देखिए इसका मलाई देखिए. 2 लीटर के दूध में मुझे इतना सारा क्रीमी और फ्रेश मलाई घर पे मिला. 2 लीटर का दूध अगर आप रोज़ उबाल के फ्रिज में रखते हो और इतना सारा मलाई अगर आप रोज़ निकालते हो तो 1 महीने बाद आप घर पे इतना सारा बफेलो घी बना सकते हो जो मैंने बनाया. आप देख सकते हो, अमेजिंग राइट. चलो नाउ लेट्स मेक अ स्मूदी. सुपर.
my smoothie tastes better because ये जो milk है ये taste भी बहुत natural और authentic करता है. So आप जब खुद taste करेंगे तो आपको पता चलेगा. ये दूध प्योर है, ऑर्गेनिक है, फार्म फ्रेश है. मुझे कैसे पता? बिकॉज मैंने ये खुद ने एक्सपीरियंस किया है और ये आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो. कैसे? मैं आपको बताती हूँ. आप जब कंट्री डिलाइट के ऐप से पहली बार दूध ऑर्डर करते हो आपको ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलता है और वो है ये DRDO अप्रूव्ड मिल्क टेस्टिंग किट, जिसके थ्रू आप इस मिल्क की प्योरिटी और क्वालिटी खुद से चेक कर सकते हो. मैं आपको दिखाती हूँ कैसे. Can you see the color difference? Now this proves that Country Delight's buffalo milk is absolutely pure and unadulterated. You can see it for yourself. Hello, hello, hello. So I am off to shoot right now. We are shooting in a new location today for the new Diwali sequence. So yeah, I'm off there. I'm really hoping that jaldi ho jaye thoda kaam. So I have to buy few things for my house. So let's see. शिफ्टिंग चल रही है, घर की सजावट चल रही है, सब कुछ चल रही है, एक साथ शूटिंग चल रही है, तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब है फिलहाल तो. बट एनी वेज नॉनदलेस आई ऑलवेज ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ माई डे एंड ऑलवेज ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स द डे एंड टूवर्ड्स लाइफ. दैट्स इट. हेलो गुगु, इतना हेलो बोल. नए सेट पे नए दोस्त. अच्छा लग रहा है दिखने में. हेलो हेलो. सो जैसे मैंने कहा था कि मेरी जल्दी पैकअप हो गई है. सो आई पैक्ड अप अर्ली. आई चेंज एंड आई शॉट समथिंग फॉर इंस्टाग्राम. मुझे इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए कुछ शूट करना था, वो करके नाउ आई एम ऑफ टू द मॉल. बिकॉज जैसे मैंने कहा था आप लोगों को पहले, मेरे इंटीरियर चल रहा है मेरे घर का एंड लास्ट स्टेज पे है कुछ चीज़ें मुझे खरीद के, एक्सेसरीज खरीदना है मुझे. सो आई एम गोइंग फॉर दैट एंड गोइंग टू द मॉल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सो येस, कम अलॉन्ग विथ मी ओवर हियर एंड लेट्स सी मैं क्या क्या खरीदती हूँ. बहुत दिनों बाद मॉल में आई हूँ एंड इट फील्स रियली 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 गुड. That's it for the day. Shopping हो गई, सब कुछ हो गया, ढेर सारा सामान हमने ले लिया जो रख दिया है हमने. कॉफ़ी भी पी ली एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से बाय टू यू ऑल फ्रॉम हियर. आई होप आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए. सो दैट्स इट एंड आई एम गोइंग टू से बाय टू यू फ्रॉम हियर. बाय, लव यू ऑल. डाउनलोड कंट्री डिलाइट्स ऐप नाउ एंड कीप ऑर्डरिंग थिक मलाई वाला बफेलो मिल्क.